हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपने गार्डन में खुश होंगे, मस्त होंगे, बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी जो मेरे गार्डन में इस टाइम फूलों की बहार आई है। बिल्कुल फ्री के प्लांट्स हैं, मैंने उसे परचेज़ नहीं किया है और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा दोस्तों फ्लावरिंग हो रही है, तो मुझे वही आप लोगों को दिखाना था। ये देखिए दोस्तों, ये सारे फ्री के फ्लावर हैं जो दीपावली में पूजा होती है दोस्तों। ये मैरीगोल्ड देखिए, जो मैंने ख़रीद के लगाए थे वो स्टार्टिंग में लगाए थे, कुछ गलेरी ने कट कर दिए और कुछ जो टाइम निकल चुका है तो ख़त्म हो चुके हैं, और ये दोबारा से अपने आप उगे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जो दीपावली में पूजा होती है। मैंने वही फ्लावर सारे गमलों में थोड़े थोड़े डाल दिए थे और उनसे अब इतने ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, पूछो मत। इतना अच्छा लग रहा है देखने से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके लिए मैं मिट्टी की बात करती हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में मिट्टी बनाई थी फ्लावर के लिए, वही मिट्टी है और मैंने कुछ भी केयर नहीं की है। बस इसमें पानी डेली डालती हूँ टाइम से, मॉइस्चर बस बना रहे, क्योंकि अब धूप बहुत तेज़ होने लगी है। और ये देखिए इसका साइज़ देखिए, धूप भी बहुत तेज़ है तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, मैं ऐसी वीडियो शूट करती जा रही हूँ। फ्लावर का साइज़ देखिए, कितने बड़े बड़े फ्लावर हैं और ये बिल्कुल फ्री हैं। बस मैं डेली पानी डालती हूँ, फर्टिलाइज़र और मिट्टी की बात करती हूँ तो जो मैंने पहले बनाई थी बस वही हैं। और ये देखिए, ये अब सूखने भी लग गए हैं तो मुझे अभी और फ्लावर चाहिए, तो मैं इन्हें भी कट कर दूँगी। जो सूखे हुए फ्लावर हैं मैं इन्हें हटा दूँगी, बस मुझे इतना ही ध्यान रखना है, जो थोड़े बहुत सूखते जा रहे हैं उनको मुझे हटाते जाना है, तो हमें और भी फ्लावर मिलेंगे। ये देखिए, पूरे में मैरीगोल्ड हर गमले में आप लोगों को मिलेंगे, कि हर गमले में मैरीगोल्ड हैं। बहुत सारे फ्लावरिंग हो रही है, मैं और दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरे में गेंदे के फूल खिले हुए हैं इस टाइम। कहते हैं कि फ्लावर में पानी नहीं डालना चाहिए, पर धूप बहुत तेज़ है, मैं क्या करती हूँ, डेली शावर कर दे रही हूँ। धूप तेज़ है तो वो सूख जा रहे हैं, इसलिए मेरे प्लांट थोड़े अभी बचे हुए हैं। हर गमले में आप लोगों को मिलेंगे मैरीगोल्ड के फ्लावर। ये देखिए, मेरा गमला छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि जो पूजा के सीड थे, मैंने फ्लावर थे, माला जो थी, मैंने सभी में थोड़े थोड़े डाल दिए थे। ये देखिए, बिल्कुल वेस्ट है, इसमें बिल्कुल जान नहीं है। थोड़ी सी पन्नी में मिट्टी रखी थी पर इसमें फूल गिर गए होंगे, और इसमें भी पौधे उग गए हैं और कितने सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं। इसके इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग। पूरा जो गार्डन है मेरा इस टाइम गेंदे के फूलों से पूरा भरा हुआ है। बस मैं इसमें क्या केयर करती हूँ कि इसमें मैं दो बार डेली शावर कर देती हूँ पानी से। आजकल धूप और हवा जो चल रही है बहुत तेज़ चल रही है कि मेरे प्लांट सूखे ना, तो इसी वजह से शावर करने की वजह से मैं फूलों को भी नहला देती हूँ। इस वजह से मेरे फूल बहुत अच्छे बने हुए हैं अभी। और ये कनेर की तो बात ही अलग है दोस्तों, एक बार मैं और दिखाती हूँ। ये बिल्कुल फ्री के हैं तो बहुत ही दिल खुश हो जाता है कि फ्री के प्लांट से मुझे इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग मिल रही है। ये देखिए, मेथी के सीड ये अभी तैयार हो रहे हैं, इसमें भी प्लांट्स तैयार हो गए हैं। मैं पूरा गार्डन में दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए कलर कितना प्यारा है। और इसमें भी ये मैंने पूरा कट कर दिया है, डेकोरेशन वाली घास है ये, पूरा ग्राउंड कवर वाली घास है। इसमें भी देखिए, और इतना सुंदर कलर है इसका, बहुत ही अच्छा है। हर गमले में मैरीगोल्ड मिलेंगे आप लोगों को। ये देखिए, इसमें भी ये अपने आप ही उग गए हैं। मैंने ये वाले फ्लावर वाले प्लांट्स लगाए थे और मैरीगोल्ड अपने आप उग गए हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, मुझे बस यही दिखाना था आप लोगों का कि ज़रूरी नहीं है कि हम प्लांट्स जो ख़रीदते हैं उसी से हमें फ्लावर मिले। जो हमारे घर में सीड होते हैं, बहुत सारे सीड जो हैं जो हमारे किचन में ही होते हैं, उनसे भी हम फ्लावर ले सकते हैं। और ये देखिए, ये देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता है। पूरे गार्डन में गेंदे ही गेंदे की बहार आई है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।